प्यारे बच्चों, आपका फिर स्वागत है। आपको याद होगा अभी हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड, उसमें मैंने आपको डिटेलिंग कर दी थी कॉट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर की। इस एप्रेटस का काम था कि कार्बन के अनबर्न पार्टिकल को स्मोक में से हटाना, अगर नहीं हटाते तो एल्विलाई को डैमेज करते। सीवेज डिस्पोजल अभी मैंने समझाया, जो आपको समझ में आया होगा पूरा मैंने बता चुका हूं। अब है डेल्टा फॉर्मेशन। बेटा डेल्टा कब बनता है? जब रिवर वाटर सी वाटर में एंटर करता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी बनाती है, जब गंगा नदी का पानी वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरता है। जब गंगा नदी का पानी वे ऑफ बंगाल में गिरता है, सबसे बड़ा डेल्टा इंडिया में ही है, नाम है सुंदरवन डेल्टा वेस्ट बंगाल। ठीक, अब देखो इसमें होता क्या है, ये नदी का पानी है, ये रिवर वाटर है, ये किसमें एंटर कर रहा है? सी वाटर में, ये सी आ रहा है। जो रिवर का वाटर है उसके अंदर क्या है बताओ जरा? पानी और मिट्टी। क्या है? पानी और मिट्टी। तो पानी और मिट्टी वो कोलाइडर सॉल्यूशन है। मिट्टी के पार्टिकल पे माइनस चार्ज है और पानी के पार्टिकल पे प्लस चार्ज है, और वो कोलाइडर सॉल्यूशन है। जब नदी का पानी समुद्र में एंटर करता है तो जो पार्टिकल पे माइनस चार्ज है, आपको मालूम है समुद्र के पानी में क्या है? नमक, NaCl। तो उस NaCl की वजह से उसका कोगुलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? कोगुलेशन। अब कोगुलेशन होने से क्या होगा? आंसर पीपीटी बनेगा। क्या बनेगा? पीपीटी बनेगा। पीपीटी बनने पर जो रिवर के पानी में क्या है, आंसर डस्ट पार्टिकल है, मिट्टी के पार्टिकल है, वो एक ट्राइंगल की फॉर्म में एडजस्ट हो जाएंगे। किसकी फॉर्म में? ट्राइंगल की फॉर्म में। किसके पार्टिकल? मड के पार्टिकल ट्राइंगल की फॉर्म में एडजस्ट हो जाएंगे। कब? जब रिवर वाटर किसमें एंटर करेगा? सी वाटर में। जब रिवर वाटर किसमें एंटर करेगा? सी वाटर में। तो पार्टिकल जो मिट्टी के हैं वो ट्राइंगल की फॉर्म में एडजस्ट हो जाएंगे। उस ट्राइंगल को ही क्या बोलते हैं? डेल्टा। क्योंकि याद करो मैथ्स में भी ट्राइंगल शेप में ही डेल्टा बनाते हैं अपन, तो ये डेल्टा बन गया। अब पहला क्वेश्चन, डेल्टा क्यों बना? क्या आंसर है? आंसर डेल्टा इसलिए बना क्योंकि समुद्र के पानी में जो NaCl है उसने रिवर वाटर के अंदर जो मड पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल है, उनका कोगुलेशन कर दिया। उनका कोगुलेशन करने पर मिट्टी के पार्टिकल एक ट्राइंगल फॉर्म में एडजस्ट हो गए, उसी का नाम पड़ा डेल्टा। तो डेल्टा कब बनेगा? डेल्टा तब बनेगा जब रिवर की एंट्री सी में होगी। सबसे बड़ा डेल्टा कब है? जब गंगा का पानी बे ऑफ बंगाल में गिरता है। कहां पर? वेस्ट बंगाल में। क्या बात समझ में आई? डेल्टा फॉर्मेशन ओके रहा। अब इसके बाद आता है बेटा, डेल्टा फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि भाई कोलाइडर सॉल्यूशन के और क्या एप्लीकेशन है। तो बेटा कोलाइडर सॉल्यूशन का एक एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल रेन कराने में। आर्टिफिशियल रेन मैंने बरसात। आर्टिफिशियल बरसात कैसे कराते हैं? जैसे कहीं पे बादल नजर आ रहे हैं, है ना, लेकिन वो बादल बरस नहीं रहा है। तो अगर आप उस बादल पर AGI, किसका? AGI का। जो बच्चे मेडिकल के हैं वो ध्यान दें, नीट में भी पूछा गया है, एम्स में भी। अगर आप बादल पर किसका स्प्रे मार दें? AGI का, तो बादल तुरंत उसका कोगुलेशन होगा, और वो कोगुलेशन होने का मतलब पीपीटी बनकर नीचे बरस जाएगा। तो अगर बादलों पे AGI का स्प्रे किया जाए तो आर्टिफिशियल रेन आप करा सकते हैं। बेहद अच्छी बात है, यानी कि आपको शक्ति मिल गई इंद्र देवता वाली। इंद्र देवता पहले करते थे ओम भट्ट, बरसात हो गई, ऐसे ही आप भी करा सकते हैं। ठीक है कि नहीं? साइंस ने आपको वो पावर प्रोवाइड करा दी। अब इसमें एक बात ध्यान देने की है कि ये क्वेश्चन आ चुका है AGI का इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल रेन में। क्वेश्चन क्या आएगा? विच केमिकल इज यूज टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ रेन, या विच केमिकल इज यूज इन आर्टिफिशियल रेन? देन द आंसर इज AGI, दैट इज सिल्वर आयोडाइड। इसके अलावा बेटा इनकी पांचवी एप्लीकेशन है मेडिसिन में। किसमें? मेडिसिन में। मेडिसिन में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है।
मेडिसिन में इनकी जो एप्लीकेशन है वो क्या है? एक बीमारी होती है काला आजार या कालाजार। कालाजार बीमारी के लिए आप एंटीमनी का कोलाइडल सॉल्यूशन ले लो। किसका? एंटीमनी का। एंटीमनी का कोलाइडल सॉल्यूशन अगर आप बना लें और आंखों में डालें तो कालाजार बीमारी ठीक हो जाएगी। बस समझ में आई? ऐसे ही अगर आपको अचानक चोट लग जाए, जैसे लॉकडाउन है आजकल, आपके हाथ में चाकू लग गया, एकदम बहुत सारा खून निकल रहा है, तो तुरंत ही आप उस पर क्या लगा दें, खून बहुत सारा निकल रहा है, FeCl3। क्या लगा दें? FeCl3 या फिटकरी लगा दें। फिटकरी तो घर पे रहती है, तो उस कंडीशन में तुरंत ही क्या हो जाएगा? कोगुलेशन हो जाएगा, है ना, ब्लड का बहना रुक जाता है FeCl3 से। इसके अलावा एक और बात है कि अगर कालाजार बीमारी हो गई, ब्लीडिंग रोकना हो गया, और एक इसकी और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है कि अगर आप आर्जिरोल का इस्तेमाल करें। किसका? आर्जिरोल। आर्जिरोल याद आ गया? हाँ, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर। याद करो, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड क्या था? पर्पल ऑफ कसिस। कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्या था? आर्जिरोल। आर्जिरोल का इस्तेमाल आई लोशन बनाने में होता है। किसमें? आई लोशन बनाने में आर्जिरोल का इस्तेमाल होता है। समझ में आई? बहुत अच्छी क्वालिटी का आई लोशन है और आंखों को बहुत आराम देता है। अब इसके साथ एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड खत्म। अब चैप्टर को खत्म करने के लिए हमें एंजाइम की मैकेनिज्म समझनी है कि एंजाइम किस तरीके से रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। मैंने उस दिन बताया भी था, एंजाइम आर बायो कैटालिस्ट। एंजाइम आर बायो कैटालिस्ट। बात समझ में आ रही है? देखिए एंजाइम कैसे वर्क करता है। जैसे एंजाइम की मैकेनिज्म क्या है, एंजाइम पहले रिएक्टेंट को लेता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ईआर कॉम्प्लेक्स, जिसे बोलते हैं एंजाइम रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स। यानी एंजाइम क्या है? कैटालिस्ट, है ना। वो रिएक्टेंट को क्या कर लेता है? एड्सॉर्ब। और क्या बनाता है? ईआर, एंजाइम रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स। ये ईआर कन्वर्ट हो जाता है ईपी में, एंजाइम रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स कन्वर्टेड इनटू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, यानी एंजाइम की सरफेस पे लगे लगे ही रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके नए बॉन्ड बना लेते हैं और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्या बात समझ में आई? एंजाइम, उस पर कौन एड्सॉर्ब हुआ? रिएक्टेंट। क्या बना? ईआर। फिर रिएक्टेंट ने आपस में क्या बनाया? बॉन्ड। ईआर कन्वर्टेड इनटू ईपी। फिर ईपी क्या करेगा? ई प्लस पी में ब्रेक हो जाएगा। एंजाइम अलग, प्रोडक्ट अलग। अब एंजाइम अलग हो गया, प्रोडक्ट अलग हो गया, तो प्रोडक्ट बन गए, वो वहां से हट जाएंगे। अब वो जैसे ही वहां से हटे, फिर खाली जगह बन जाएगी, एंजाइम बचा रह जाएगा। अब एंजाइम दोबारा लेगा आर को, फिर दोबारा वही काम शुरू हो जाएगा। यानी ई प्लस आर, ई आर, ई आर कन्वर्टेड इनटू ईपी, ईपी टूट गए ई प्लस पी, फिर ई फ्री हो गया, फिर ई प्लस आर, ई आर। ऐसे ही करके ये प्रोसेस मूव ऑन करती जाएगी और लगातार एंजाइम प्रोडक्ट बनाता जाएगा। ये है एंजाइम के काम करने का तरीका। इसके साथ ही प्यारे बच्चों, चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री खत्म है। अब आप एनसीईआरटी करिए और जो आपके डाउट है वो पूछिए, व्हाट्सएप पे डालिए, घर पे ध्यान से पढ़िए, टाइम वेस्ट ना करिए, लॉकडाउन में पढ़ाई करिए, टाइम वेस्ट ना करिए। और कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज ध्यान से पढ़िए, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर बहुत अच्छा लगा हो तो कॉम्प्लीमेंट करो, और कोई सुझाव या शिकायत हो तो जरूर बताएं, डाउट्स अपने व्हाट्सएप पे पूछें। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।